अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीतिज्ञ और कवि थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश की सेवा की। वाजपेयी भाजपा के सह संस्थापक और एक प्रमुख नेता थे जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के सदस्य भी थे। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता अपने गृह नगर में एक स्कूल शिक्षक थे। वाजपेयी ने अपनी पढ़ाई ग्वालियर में की और वहां के विश्वविद्यालय से बीए और एमए की पढ़ाई की। वह 1939 में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में भी शामिल हुए। 1942 तक 16 साल की उम्र में वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। 1957 के भारतीय आम चुनाव में वाजपेयी ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। वह मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप से हार गए लेकिन बलरामपुर से चुने गए। लोकसभा में उनके वक्तृत्व कौशल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि वाजपेयी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया था। वाजपेयी ने मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। 1979 में देसाई और वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया जिससे जनता पार्टी का पतन हो गया। भारतीय जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया जिसके पहले अध्यक्ष वाजपेयी थे। 1996 के आम चुनाव में वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली लेकिन भाजपा लोकसभा के सदस्यों के बीच बहुमत जुटाने में विफल रही। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है तो वाजपेयी ने 16 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। 1996 और 1998 के बीच 2 संयुक्त मोर्चा सरकारों के पतन के बाद लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव हुए। वाजपेयी की सरकार 1999 के मध्य तक 13 महीने तक चली। सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के आगामी वोट में 1 वोट से हार गई। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा के ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ वाजपेयी ने कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ अन्य संघर्षों को स्थायी रूप से हल करने के उद्देश्य से एक नई शांति प्रक्रिया शुरू की। मई 1999 में कुछ कश्मीरी चरवाहों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और गैर वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी का पता लगाया जहां उन्होंने सीमावर्ती पहाड़ियों और मानवरहित सीमा चौकियों पर नियंत्रण कर लिया था। भारतीय सेना ने ओवन ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया जो 26 मई 1999 को शुरू किया गया था। 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए और अनुमान है कि लगभग 4,000 पाकिस्तानी आतंकवादी और सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तान द्वारा वापसी की घोषणा के बाद भी जारी झड़पों में भारतीय सेना द्वारा उग्रवादियों को मार दिया गया या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1999 के आम चुनाव कारगिल ओन परेशन के बाद हुए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा की 543 सीटों में से 303 सीटें जीतकर आरामदायक और स्थिर बहुमत हासिल किया। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वाजपेयी सरकार ने कई घरेलू आर्थिक और ढांचागत सुधार पेश किए जिनमें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारी बर्बादी को कम करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का निजीकरण शामिल था।
वाजपेयी की परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल थीं। 2001 में वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए घोषणा की कि वह अगला आम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा में एक भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा वाजपेयी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में संदर्भित किया गया था। वाजपेयी जीवन भर कुंवारे रहे। उन्होंने लंबे समय से मित्र राजकुमारी कौल और उनके पति बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को अपने बच्चे के रूप में गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो, पाकिस्तान के अंतरिम कानून और सूचना मंत्री सैयद अली जफर। 17 अगस्त को मॉरिशस सरकार ने घोषणा की कि वाजपेयी के सम्मान में मॉरिशस और भारतीय दोनों झंडे आधे झुके रहेंगे। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे और उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी उपस्थिति ने भारतीय राजनीति को गहरा प्रभाव डाला और उनकी उपलब्धियां देशवासियों के बीच में सदैव याद की जाएंगी। सब्सक्राइब एट 3 स्टूडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू इंस्पायरिंग वीडियोज़।